नमस्कार दोस्तों, मैं भरत पारीक और आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन के रेडिएशन के बारे में। आज जो बात हम आपको बोल रहे हैं वो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर नहीं रख पाते हैं और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों मोबाइल फोन से होती है और सोते समय भी मोबाइल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, अपने पास रखकर सोते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन को चेक करते हैं। खासकर वो लोग जो लगातार फोन पर घंटों बातें करते रहते हैं। जब हम फोन से बात कर रहे होते हैं तो उस समय क्या आप लोगों को पता है फोन का रेडिएशन बढ़ जाता है। आप सबको ये बात पता ही होगा, मोबाइल रेडिएशन न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए बल्कि इंसानी जान का भी दुश्मन है। और जो बात हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और हमारी बात उन सभी तक जरूर पहुंचाएं जो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हैं। आपके मोबाइल फोन के रेडिएशन का मानक अधिकतम 1.6 वोल्ट प्रति किलोग्राम, 1.6 वोल्ट प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आपको ये चेक कैसे करना है, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन से *#07# डायल करना है। डायल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रेडिएशन संबंधी संपूर्ण जानकारी नजर आएगी। आपको दो तरह का रेडिएशन स्तर दिखाई देगा, एक फोन पर बात करते हुए रेडिएशन, दूसरा फोन का जब आप फोन का यूज करते हो या आपका फोन आपकी जेब में पड़ा रहता है। ध्यान रहे रेडिएशन की सीमा 1.6 वोल्ट प्रति किलोग्राम से ज्यादा ना हो। और किसी के मोबाइल फोन में दो तरह का रेडिएशन स्तर अगर नजर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले लिखा होगा इंडिया SAR 1G लिमिट 1.6 वोल्ट पर केजी, ये लिखा होगा उसके नीचे जो आपके हैंडसेट की वो जो रेडिएशन है वो लिखी होगी। तो देखियो जो इंडिया SAR 1G लिमिट 1.6 वोल्ट केजी, इसका मतलब ये कि इंडिया में इसका जो स्तर है 1.6 वोल्ट केजी है, ये तो सभी हैंडसेट में सेम रहता है, लेकिन जस्ट उसके नीचे जो दिया हुआ है वो आपके मोबाइल फोन का रेडिएशन का स्तर होगा। तो सभी ये नंबर डायल करके चेक कर लीजिए, ये 1.6 वोल्ट प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखना है। अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर कभी बात ना करें, उस समय मोबाइल फोन का जो रेडिएशन होता है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है। और जब आपका सिग्नल कमजोर हो उस समय भी बात ना करें, बैटरी डिस्चार्ज होने पर भी बात ना करें, उस दौरान भी रेडिएशन जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और जरूरत पड़ने पर ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो और इससे शरीर पर रेडिएशन का इफेक्ट कम पड़ता है और हमारे दिमाग में द्रव की मात्रा ज्यादा होती है और मोबाइल फोन की रेडिएशन द्रव की मात्रा को असंतुलित करता है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। मोबाइल फोन के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उससे DNA के नष्ट होने का खतरा भी हो सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन की रेडिएशन से बचना कैसे है। तो रात को मोबाइल को तकिए के नीचे न लगाएं और अपने पास भी न रखें और अलार्म लगाने के लिए मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल भी न करें। जितना हो सके मोबाइल को अपने से दूर रखें और अपने दोस्तों से मुलाकात के दौरान या बात करते समय जब आपको मोबाइल फोन की जरूरत न हो तो मोबाइल को दूर रखें अपने से, और जब आप घर पर रहो तो उस समय मोबाइल फोन को अपने से दूर ही रखें क्योंकि उस समय मोबाइल का यूज बहुत कम होता है। तो इसलिए आपको घर पर अपने मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो घर पर बैठे रहते हैं उनका मोबाइल फोन की घंटों लगातार घंटों जेब में पड़ा रहता है, वो टीवी देख रहे होते हैं या फिर अन्य कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस समय उनका मोबाइल फोन का यूज नहीं होता है फिर भी उनकी जेब में मोबाइल फोन पड़ा रहता है, तो उस समय आप मोबाइल फोन को अपने पास बिल्कुल भी न रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।